नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सरवार उपखंड के सूरजपुरा गांव में आपसी कहासुनी को लेकर आवेश में आकर युवक ने दूसरे युवक के हथियार से फायर कर दिया, जिससे फायरिंग के दौरान गोली सीधी युवक की गर्दन पर लगी। गोली लगते ही सोनू जसानिया जमीन पर गिर पड़ा और सड़क किनारे खून की धारा बहने लगी, जिसके घटना के बाद दोनों दोस्तों ने घायल अवस्था में खून से लथपथ सोनू जसानिया को मोटरसाइकिल पर बिठाकर राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सोनू जसानिया को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गुमान सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। वहीं इस दौरान राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में भारी भीड़ जमा हो गई। केकड़ी शहर थाना प्रभारी सुधीर उपाध्याय इस दौरान पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल में मौजूद रहे। फायरिंग के बाद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक के दोस्तों और परिजनों से गोली चलाने वाले युवक के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि फायरिंग करने वाले का हमें नाम तो मालूम नहीं है। इस पर पुलिस ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू करते हुए हत्या करने वाले आरोपियों को चिन्हित किया है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार सरवार थाना क्षेत्र के रहने वाले भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपसा ने आपसी कहानी के बाद आवेश में आकर गोली चलाई, जिसके चलते सोनू डसानिया बुरी तरह से घायल हो गया है और अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, उपाध्यक्ष खिव सिंह राठौर ने अपने स्तर पर जाल बिछाया और अपराधी की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर अलग अलग जगह रवाना कर दिया। इसी और सरवार थाना प्रभारी गुमान सिंह ने दर्जनों गांव में छापामारी कार्रवाई की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अपराधी फायरिंग करने के बाद पुलिस से बचने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से भाग छूटा, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है।